नमस्ते, आई एम डॉक्टर पूजा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ मेडलिंक आईवीएफ सेंटर पटियाला। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है प्री मैच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी, या फिर इसको प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर भी कह सकते हैं, या सिंपल भाषा में इसको प्री मैच्योर मेनोपॉज भी कहा जा सकता है। प्री मैच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी का मतलब है किसी महिला की पीरियड्स का 40 ईयर्स की एज से पहले बंद हो जाना या बहुत इरेगुलर हो जाना, या फिर किसी महिला का ओवेरियन रिजर्व इतना लो हो जाना कि इनके ओवुलेशन ऑलमोस्ट बंद हो जाए। कभी कभी ये कंडीशन लेट 20s में या इवन अर्ली 30s में भी देखी जा सकती है। ओवुलेशन बंद होने के कारण अक्सर ऐसी महिलाएं नेचुरल वे में कंसीव नहीं कर पाती। इवन ये भी देखने में आया है कि इनको मैक्सिमम डोजेज ऑफ गोनाडोट्रॉपिंस देने के बाद भी ओवुलेशन को रिस्टोर करना कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो IVF विद ओवोसाइट डोनेशन इनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये एक वर्ल्ड वाइड वेल नोन, मेडिकली अप्रूव्ड और एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR द्वारा कुछ गाइडलाइन सेट की गई हैं, जिनके जरिए जो महिलाएं अपना एग डोनेट करना चाहती हैं उनको स्क्रीन किया जाता है, उनके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और वो अप्रूव होने के बाद ही उन महिलाओं को एग डोनेशन के लिए लिया जाता है। तो जो महिलाएं प्रीमेच्योर मेनोपॉज से सफ़र कर रही हैं और वो अपना माँ बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, IVF विद ओवोसाइट डोनेशन उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। At Medlink IVF, we have treated lot of couples who are suffering from premature ovarian insufficiency with IVF and oocyte donation. So, if you are having any queries regarding this treatment, then kindly visit us at Medlink IVF Center, Patiala. Thank you.